बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अवैध खनन पर रोक को लेकर के कहा है कि डोरीगंज छपरा में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जहां 3000 ट्रकों से 15 लाख सीएफटी बालू को जब्त किया गया है, तो वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार भी इस दौरान किया गया। थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय होगी जिनके क्षेत्र में अवैध खनन होगा। हमारा मकसद है कि अवैध खनन, ये सारे अवैध खनन हर हाल में बंद हो। ओवरलोडिंग पर हमने अंकुश लगाया है और लगभग 90% ओवरलोडिंग बंद है। जो बंदोबस्तधारी जनून काम कर रहे हैं उनका लगभग ओवरलोडिंग वो बंद किए हुए हैं। वो जानते हैं कि अवैध खनन ओवरलोडिंग के गाड़ी पकड़ाने पर 10 लाख रुपया ट्रक पर, 5 लाख रुपया ट्रैक्टर पर, और जो पकड़वाएंगे हमारे बिहारी योद्धा। ऐसे जो अवैध कारोबार के संबंध में जानकारी देते हैं उस बिहारी योद्धा जो मोबाइल के यूट्यूबर के रूप में काम करते हैं, प्रेस मीडिया से जुड़े लोग हों, जिन किसी का भी रिपोर्ट आएगा, पूरे वीडियो आएगा, वो गोपनीय भी रखा जाएगा और हमारे प्रधान सचिव और डायरेक्टर के जिम्मे ये डिटेल नंबर, मोबाइल नंबर आता है, उस पर डिटेल आता है, कमांड कंट्रोल से हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं। और वैसे लोगों को ट्रक पर 10,000 रुपया, ट्रैक्टर पर 5,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषित किया है और वह इनाम लगभग 3-4 दर्जन से ज्यादा लोगों को हम लोग देने भी जा रहे हैं। आज आप लोगों को एक जानकारी देने कि कल हम लोग हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और उन बालू घाटों के निरीक्षण के दरम्यान कई जगह कई जानकारी भी प्राप्त हुई है। उस जानकारी के आधार पर आज रात्रि में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बालू का डोरीगंज छपरा में पूरा घेराबंदी हुआ है। 3000 ट्रक के लगभग 15 लाख सीएफटी के लगभग बालू जब्त हुआ। ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं पर 4 ट्रक, 6 ट्रैक्टर, जेसीबी, लोडर, कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन चल रहा है।